भाई साथियों, आज मैंने करण सिंह जी का नया रूप देखा है और जो भाषण आज दिया इन्होंने, आप सबको पसंद आया ना भाषण? तो जोरदार ताली हमारे उम्मीदवार करण सिंह जी के लिए बजा दो एक बार। इस सभा में मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष डोटासरा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, हमारे प्रभारी रंधावा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी, साले मोहम्मद साहब, महेंद्र बिश्नोई जी, महेंद्र चौधरी जी, मनीषा पवार जी, कुंती देवड़ा महापौर हैं जी, हमारे प्रकाश छंगानी साहब, शहजाद खान जी, राजेंद्र सोलंकी जी, जोशी जी, सलीम खान साहब, पंकज प्रताप जी, कृष्णा राम जी, उमेश सिंह राठौड़ साहब, मंच पर तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, इस नामांकन सभा में मौजूद सभी नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से करण सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। ये कांग्रेस पार्टी के औपचारिक उम्मीदवार हैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से, और सारी बातें जो कहनी थी बहुत उम्मीदवार लोगों के भरोसे पर उनको यहां से उम्मीदवार बनाया है। मैं सुबह जोधपुर आया, लोगों से चर्चा करी और जो माहौल मैं देख रहा हूं, जो ऊर्जा मुझे दिख रही है कार्यकर्ताओं में, आमजन में, मतदाताओं में, उसे देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जोधपुर में कांग्रेस इतिहास रचेगी और भारी बहुमत के साथ यहां कांग्रेस पार्टी जीतकर जाएगी। साथियों, ये चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव सिर्फ प्रदेश का नहीं है। जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बोला, ये चुनाव हमारे वर्तमान और भविष्य का है, ये चुनाव इस देश का है, हमारे लोकतंत्र का है, हमारे गणतंत्र का है। इस चुनाव को गंभीरता से हमको लेना है। हम मंच पर सब लोग आज इकट्ठा होकर आपके बीच में आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप सब कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो, कार्यकर्ता हो, विधानसभा चुनाव में हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमारा कांग्रेस और भाजपा का जो वोट का अंतर था वो बहुत कम था। आज एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है। 10 साल की सरकार ने जो रवैया अपनाया है, जिस प्रकार की राजनीति का परिचय दिया है, जो प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है, सारी सीमाओं को लांघा जा रहा है, टकराव की राजनीति, हिंसा की राजनीति, दबाव की राजनीति, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, हम सब लोग मिलकर सामने इकट्ठा होकर आपके आगे आए। अब आपको निर्णय करना है कि 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर काम करना है, इस देश में 75 साल से अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं को अलग अलग सरकारों ने पोषित कर मजबूत बनाने का काम किया, और इस वर्तमान सरकार ने जानबूझकर नीतिगत तरीके से इन संस्थाओं की मजबूती को, इन संस्थाओं की पारदर्शिता को, इन संस्थाओं की विश्वसनीयता को लगातार खत्म करने का काम किया है। आज जो हालात देश में पैदा हुए हैं, चुनाव पहले भी आते थे, सरकारें पहले भी बनती थी, विपक्ष और पक्ष पहले भी सामने आते थे, लेकिन इस बार जो 10 सालों में हुआ है, 147 सांसदों को बर्खास्त कर पीछे के दरवाजे से कानून बनाए जा रहे हैं, न्यायपालिका को, निर्वाचन आयोग को, संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। अगर लोगों के, मतदाताओं के मन में इन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर अगर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा तो हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ी चिंता पैदा हो जाएगी। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने और खासकर करण सिंह जी ने विस्तार से आपको बताया, आज लोगों के जहन में चिंता है। आज कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है, चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है और साजिशपूर्ण तरीके से कांग्रेस के खातों को सीज कर दो, यूथ कांग्रेस के खातों को सीज कर दो, एनएसयूआई के खातों को सीज कर दो,
ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि चुनाव कराते वक्त सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का जो चयन होता है उस कानून ने परिवर्तन कर दिया। चंडीगढ़ में महापौर के चुनाव में जो सरासर बेईमानी हुई, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उसको ठीक किया गया। मेरा आप लोगों से आग्रह है, इस बार हवा बदली हुई है और जिन राज्यों में भाजपा कांग्रेस का मुकाबला होता है, पिछले चुनावों में हम लोग अच्छी तरह लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए, लेकिन 10 साल के इस कार्यकाल को जनता ने देखा, परखा और समझ लिया कि हमारे हित में कोई काम कर सकता है, हमारे हित में कोई कानून बना सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी बना सकती है। मुझे फख्र कहते हुए जब जब हमारी सरकार बनी है हम लोगों ने जनता के हित में काम किए हैं, ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं कि गरीब को लगा हमारी सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी जो भाषण देते हैं किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 10 साल में 20 करोड़ शिक्षित लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन दुनिया जानती है ऐतिहासिक बेरोजगारी आज देश में है। जोधपुर बहुत महत्वपूर्ण है, ये चुनाव और ये लोकसभा क्षेत्र, इसकी पहचान कांग्रेस पार्टी से है। और आज 36 कौम के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, अपन सारी पुरानी बातें भूल जाएं और आज इस नामांकन सभा की जो महक है, जो खुशबू है, जो ऊर्जा है, जो ताकत है, वो पूरे देश प्रदेश में जाकर फैले और दोबारा कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा यहां से फहरे। अभी करण सिंह जी भाषण दे रहे थे और माइक से छूट ही नहीं रहा था, इतने मन से भाषण दे रहे थे, आत्मा से बोल रहे थे और मैं फर्क देख रहा था, वो कार्यकर्ता करण सिंह उच्चाड़ा और जो आज कांग्रेस का लोकसभा का उम्मीदवार करण सिंह उच्चाड़ा है, जिस जिम्मेदारी से उन्होंने आपका बीड़ा उठाया है, जिस प्रतिबद्धता से आप लोगों की सेवा करने का प्रण लिया है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग दोनों हाथों से आशीर्वाद दोगे और करण सिंह जी को देश के संसद में पहुंचाओगे। देश की संसद में बैठकर आपका अपना बेटा आपके लिए काम करेगा, ईमानदारी से करेगा, इस बात की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। लेकिन साथियों, बीजेपी के प्रचार से, उनका जो प्रोपेगेंडा है, उनकी जो मार्केटिंग है, उसे हमें सावधान रहना है। अभी 26 तारीख तक यहां मतदान नहीं है, बड़े बड़े नेता आएंगे, बहुत सारे भाषण बोलेंगे, लेकिन हमें जमीनी हकीकत को समझना है और वो व्यक्ति, वो दल, वो विचारधारा, वो नेता जो सबको साथ लेकर चल सके, उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देना है। करण सिंह जी मेरी कार्यकारिणी में काम करते थे, मैं अध्यक्ष था, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया था, विपक्ष में थे और भाजपा से लगातार टकराव हम लोगों ने किया सरकार के साथ, जवाबदेही तय करने के लिए, जनता की मांगों को उठाने के लिए। आज बहुत सोच समझकर हम सब लोगों ने मिलकर करण सिंह जी को आपके भरोसे पर यहां से उम्मीदवार बनाया है। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, इस बार के लोकसभा के परिणाम चौंकाने वाले होने वाले हैं, क्योंकि जो प्रचार प्रसार भाजपा करती है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, अब वो चलने वाला नहीं है। देश समझ गया, मतदाता समझ गए, जो विकास चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और तोड़ने वाले लोग, टकराव पैदा करने वाले लोग, प्रतिशोध की भावना से काम करने वाले लोग, उनको जनता नकारेगी। आज इस सभा से एक संदेश जाना चाहिए, एकजुटता का, विजय का संकल्प और सेवा भाव से काम करने वाले लोगों को आप आशीर्वाद दोगे तो पूरे देश प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दोबारा उस मजबूती से उठ सकेगी जिसकी हम लोग तमन्ना करते हैं, आमना कामना करते हैं। आप सब लोगों ने बहुत देर से हमारी बात को सुना, मैं एक बार पुनः तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं, कृपया करके एकजुटता का परिचय देते हुए इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में वो इतिहास रच दें और कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर आशीर्वाद जिताकर करण सिंह जी को विधान लोकसभा में भेज दें। और करण सिंह जी जैसा खुद कह रहे थे, पिछले 25-30 साल से रगड़ाई कर रहे हैं, अब इस रगड़ाई को पहचानते हुए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है जिस जज्बे से, जिस मेहनत से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो जनता का रिस्पॉन्स आ रहा है, हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे, ना सिर्फ जोधपुर से लेकिन आसपास पूरे प्रदेश में अप्रत्याशित परिणाम आएंगे और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार जून में बनेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।